कुछ कुछ आर्टिस्ट अपनी आवाज़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। और पूरे मेले में सबसे ज़्यादा रश इस दुकान पर था। ये 1.5 ग्राम गोल्ड की इस पर पॉलिश की हुई थी और पूरी भीड़ लेडीज़ की ना यहीं पर ही उमड़ी हुई थी। फिर एक क्रॉकरी सेक्शन था, इसके अंदर कुछ कुछ जो स्नैक्स की प्लेट्स थी बहुत अच्छी थी। और बाकी आप ये देखिए और घूमिए मेरे साथ, ये हरिदर्शन वालों का ना, ये जो भगवान जी का दरबार इतना सुंदर लग रहा था कि बस पूछो नहीं। और ये भैया तो वाटर में डालो, टंकी के नीचे लगाओ प्लीज, अनब्रेकेबल है। ये अलग से 890 का आएगा, ये 893 2200 1800। और एक प्लेट ये वाला भी आता है इसमें, इसका क्या काम है? आप रायता बनाते हो घर पर रायता, तो रायते के लिए इस तरीके से डालना है, चीकू मैंगो बनाना उसको भी ऐसे डालना है पीसेस करके, ओनली 5 सेकेंड में पाइन चॉप कर देता है, ओनली 5 सेकेंड में पाइन चॉप। इसको निकालो, ये लगा दो, नमक मिर्च मसाला दही ऐड करो, रायता भी रेडी हो जाएगा। इसी तरह आप चीकू शेक बनाओ, मैंगो शेक, बनाना शेक, कोल्ड कॉफी, इतना शानदार सेल्समैन मैंने आज तक नहीं देखा। और ये रिलैक्सो की चप्पल है, कोई भी उठा लो, 500 रुपये का ही जोड़ा मिल रहा था। और फिर शाम के नाश्ते के लिए हम आ गए यहाँ पर, देखो जी, सीताराम चांदनी चौक वालों के छोले भटूरे, लिट्टी चोखा, क्या चीज़ नहीं थी यहाँ पर ना, इतनी चीज़ें हैं। आप भी देखो मेरे साथ, और देखो मुँह में पानी आ रहा है ना, ऐसे मेरे मुँह में भी पानी आ रहा था, लेकिन रात का समय था ना, तो रात को ज़्यादा मैं हैवी नहीं खा सकती। तो फिर मैंने बस वही खाया, डोसा ले लिया और उसी में ही पेट भर गया। अच्छा था डोसा ना, मतलब क्वालिटी वाइज सारे फूड आइटम्स अच्छे थे, लेकिन महंगे थे। चोखा किस चीज़ के हैं? आलू बैंगन टमाटर। आलू। शाम का नाश्ता फिर हमने यहीं पर ही किया। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, जो आपको अच्छी लगे वही खा लेना मेले के अंदर, ठीक है? और देखो खुले मैदान में चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है ना। और फिर धीरे धीरे गाता हुआ ये शख्स इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी मधुर आवाज़ थी उसकी गाने की ना। ये देखो, ये चारों तरफ का इस तरह से सीन है। पूरे मेले में मुझे खरीदारी का आनंद तो आया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आनंद आया ना, वो इन जोशीले आर्टिस्ट लोगों से मिलके आया। ये सब ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि बिना इनके साथ फ़ोटो खिंचाए तो मेरा मेला पूरा ही नहीं होता था। इतने स्वीट ये लोग ना कि बस कुछ पूछो मत, इनसे मिलके मेरा दिल खुश हो गया। साथियों बताओ, मेरे साथ मेले में घूम के अच्छा लग रहा है ना? और अब जो सबसे अच्छा है ना, अब वो देखना सबसे अच्छा क्या है।